हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हरियाणा की वास्तुकला से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। देखो, मैं हरियाणा जीके की जो भी वीडियो बनाऊंगी ना, वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट बनाऊंगी बट वीडियो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगी। कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो कंटेंट है हरियाणा की वास्तुकला, आई थिंक इट्स वीडियो नंबर 19। इससे पहले मैं ऑलरेडी 18 या 17 वीडियो हरियाणा जीके की डाल चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, बता दूँ माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम एज वेल एज हरियाणा HSSC एग्जाम। ठीक है, तो लाइक शेयर, बात की बातें अच्छी लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो जरूर देखें, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक है हरियाणा की वास्तुकला। तो सबसे पहले समझते हैं वास्तुकला होता क्या है, मीन्स व्हाट द मीन ऑफ आर्किटेक्ट। वास्तुकला होता है आर्किटेक्ट क्या होता है, जैसे भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना, किले बनाना, मंदिर बनवाना। जैसे इतिहास की हम बात करें तो शाहजहाँ जो राजा थे मुगल काल में, शाहजहाँ का एरा था वो गोल्डन एरा माना गया था वास्तुकला का, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट पे ध्यान दिया था। तो गोल्डन एरा था इतिहास का शाहजहाँ का काल वास्तुकला में। पेंटिंग में जहांगीर का काल था और साहित्य में अकबर का काल था। ठीक है, तो ऐसे हरियाणा में तो भाई कोई महान राजा हुए ही नहीं इस टाइप के, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटी चीज़ें जरूर बनी हैं जो हरियाणा के इतिहास में फेमस है और अपने एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो सबसे पहला है चनेटी का स्तूप। ये चनेटी का जो स्तूप था, ये शुद्ध इज अ प्लेस इन जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, तो ये शुद्ध जगाधरी में था, यमुनानगर में है चनेटी का स्तूप। ये चनेटी का स्तूप क्या है, ये ऐसा माना जाता है, ये हिस्टोरिकल मान्यता है कि इसको अशोक ने बनवाया था। अशोक, यू नो, मौर्य वंश के जो राजा थे वो अशोक थे। कहते हैं 20 मीटर ऊंचा ये स्तंभ है, मतलब एक तरह से स्तूप है। स्तूप होते हैं लाइक शिवलिंग के आकार के, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना देते हैं तो उस टाइप से। तो जैसे होता नहीं है वो फिल्म है पीके, देखी थी ना पीके, है क्या आमिर खान वाली, तो उसमें वो आमिर खान रोता रहता है भगवान कहाँ है तू खुदा, तो वो दूध सा डालते रहते हैं शिवलिंग जैसा, वो स्तूप होता है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होते हैं। और अशोक जो है महात्मा बुद्ध के फॉलोवर थे, तो इस टाइप से होते हैं। तो चनेटी का स्तूप जगाधरी में है, यमुनानगर में है, रिलेटेड है किससे, मौर्य वंश के राजा अशोक से रिलेटेड है। और ये 20 मीटर ऊँचा है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो हेंगसांग थे, जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, हयुंगसांग की पुस्तक थी कौन सी, सुयू की पुस्तक थी हयुंगसांग की, उस पुस्तक में हयुंगसांग ने भी इस स्तूप का जिक्र किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चनेटी का स्तूप, ध्यान रखना। ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शीश महल है गुड़गांव के अंदर, शीश महल फरुख नगर रोड, जो फरुख नगर एरिया है गुड़गांव में, वहाँ पर है शीश महल। फिर है बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल भी एग्जाम्स में बहुत बार आया है। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है और ये कहा जाता है ये बीरबल से रिलेटेड है। ठीक है, बुढ़िया का रंग महल, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बुढ़िया का रंग महल हो तो आप इसका आंसर यमुनानगर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रंग महल हो, तो अंबाला करेंगे। ठीक है, रंग महल हो तो अंबाला करेंगे, बुढ़िया का रंग महल हो तो यमुनानगर करेंगे। और बुढ़िया का रंग महल संबंधित है किससे गाइस, बीरबल से। बीरबल सबको पता होगा ना, अकबर बीरबल के किस्से सुन सुन के ही हम इतने बड़े हुए हैं, तो एवरीबडी नोज आई थिंक अकबर के फेमस बीरबल के बारे में, तो सबको पता है भाई। फिर है सेंट पॉल चर्च। चर्च को हिंदी में बोलते हैं गिरजाघर, तो गिरजाघर लिखा होगा, सेंट पॉल गिरजाघर। अब चर्च की बात करें तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहीं है, अंबाला के अंदर है ये, और ये अर्धगोथिक शैली से बना था। अब ये अर्धगोथिक शैली क्या है, अंग्रेज़ों का कोई टेक्निक है, मतलब बेसिकली पुर्तगालियों ने इन्वेंट किया था, पुर्तगाली इस टेक्निक को लेके आए थे, अंग्रेज इस टेक्निक से चीज़ें बनाते थे, तो इसी अर्धगोथिक टेक्निक से बना हुआ है क्या, सेंट पॉल चर्च। और ये सेंट पॉल चर्च कहाँ है गाइस, अंबाला में। ठीक है, अगला है कान्नौड़ का किला। कान्नौड़ का किला और माधोगढ़ का किला दोनों याद रखना, कान्नौड़ का किला और माधोगढ़ का किला दोनों महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ यू नो वेल, नारनौल महेंद्रगढ़ वाला, पटियाला के राजा महेंद्र सिंह ने बनाया था। जो ये कान्नौड़ का किला है ना, ये पटियाला के राजा महेंद्र सिंह ने बनाया था। और जो ये माधोगढ़ का किला है, ये जयपुर के राजा माधव ने बनाया था। माधव अपने ही नाम पे हो गया माधवगढ़। ठीक है ना, माधोगढ़ का किला जयपुर के राजा माधव ने बनाया था
और कान्नौर का किला पटियाला के राजा महेंद्र सिंह ने बनाया था। आपको कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है कि ये किला किसने बनाया, किस से रिलेटेड है, कैसे भी, ठीक है, कहाँ पर है, ये तो हरियाणा का पेट क्वेश्चन है ही पूछता है, लेकिन कहाँ से ज़्यादा अब इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछने लगा है, तो वो भी पता होना चाहिए। फिर काबुली बाग, काबुली मस्जिद या काबुली बाग पानीपत में है। काबुली बाग जैसे ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और वर्सेस बाबर, एवरीबडी नोज 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पास में इब्राहिम लोदी का मकबरा है, कभी लाइव भ्रमण करवा दूंगी तुम्हें इब्राहिम लोदी के टूम पे, बिल्कुल चार कदम पे है, पार्क है उसके अंदर ही, मतलब इब्राहिम लोग कहा जाता है, जहाँ हमारा घर है, ये पानीपत की लड़ाई हुई थी यहाँ पर, और बिल्कुल 15 कदम चलते ही बाबर का वो इब्राहिम लोदी का मकबरा है, मतलब पार्क बना हुआ, लोदी पार्क बोलते हैं उसको, ठीक है। तो माधोगढ़ का ये ध्यान रखना, तो ये बाबर ने अपनी वाइफ थी उसके लिए मतलब ये मस्जिद या बाग टाइप में बना दिया था, काबुली बाग या काबुली मस्जिद। और एक और क्वेश्चन याद रखना, इस काबुली मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, वो इसके बेटे हुमायूं ने बनाया था। काबुली मस्जिद या काबुली बाग पूछे तो बाबर से रिलेटेड है, लेकिन इसके बाहर जो एक चबूतरा बना हुआ है बैठने का, वो हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है, तो वो भी एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर है इब्राहिम खान या इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा, ये शेरशाह सूरी के दादाजी थे, शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को देश निकाला दे दिया गया था कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हरा के, जो सूरी वंश इतिहास में काफ़ी फेमस रहा 40 से लेके आई थिंक 55 तक, हाँ। तो इब्राहिम सूरी कहो या शेरशाह सूरी कहो, इसका मकबरा नारनौल में है। और ये क्वेश्चन हरियाणा SSC स्क्रीनिंग में बहुत 2-3 बार आया अलग अलग एग्जाम्स में कि किस शैली में बना हुआ था, तो ये पठान शैली में बना हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ये पठान शैली में निर्मित मकबरा है। इब्राहिम सूरी कहो या इब्राहिम खान का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था नारनौल में, क्योंकि उसका पैतृक दादा का निवास नारनौल था ऐसा माना जाता है, तो पठान शैली में निर्मित है, ये ध्यान रखना। अगला है जल महल, जल महल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल महल लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है और इसके बीच में एक सरोवर है। आपको पता जल का महल, तो जल में ही महल अपने आप दिख रहा है, जैसे जयपुर वगैरह में होते हैं जल के बीच में। शाह कुली खान ने बनवाया था इसको, ठीक है, शाह कुली खान ने बनाया था। और इस जल महल के पीछे 2-3 कहानियाँ हैं। कहते हैं ये स्थान बीरबल को बहुत पसंद है, बीरबल यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे, अकबर के जो है बीरबल, तो बीरबल का छत्ता, क्वेश्चन आ जाए बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, तो ये भी नारनौल में ही है, कहते हैं इसी जल महल के पास ही है, इसी में बीरबल का छत्ता, क्योंकि बीरबल यहाँ आते रहते रहते हैं। और मुकुंद दास का महल भी यहीं है, मुकुंद दास शाहजहाँ के दीवान होते थे, तो मुकुंद दास का महल भी यहीं पर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इससे जुड़ी हुई जल महल नारनौल में है, शाह अली कुली खां और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, बीरबल का छत्ता यहीं है, मुकुंद दास का महल भी इसी को कहा जाता है, शाहजहाँ के दीवान थे मुकुंद दास। नेक्स्ट है चोर गुंबद, चोर गुंबद ये है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, चोर गुंबद हिसार में, ठीक है, चोर गुंबद फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है, 1351, आपको पता है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड चीज़ें हिसार और फतेहाबाद में ही है। गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब, देखो एक तो है गौ, ये क्या बोलते हैं, कर्ण का किला, सॉरी क्या बोलते हैं, कर्ण की लेक, कर्ण लेक, ये करनाल के अंदर है, ठीक है, लेकिन जो गौकर्ण का तालाब है ये रोहतक में है, इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं महम की बावड़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महम की बावड़ी, महम की बावड़ी ये रोहतक में है, आपको पता ना महम रोहतक में है, तो महम की बावड़ी रोहतक में है, इसको चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है और इसको स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना चोरों की बावड़ी या स्वर्ग का झरना भी आपसे पूछे तो ये रोहतक में है, 1656 के आसपास बनवाई थी, शाहजहाँ का कोई दरबार में था सद्दौल कलाल नाम से पासन, सद्दौल कलाल, उसने कहा जाता है इसको बनवाया था महम की बावड़ी, ठीक है, चोरों की बावड़ी या स्वर्ग का झरना, तो स्वर्ग का झरना याद रखना महम की बावड़ी को कहा जाता है। फिर है तोशाम की बारादरी, ये भिवानी में, आपको पता ना तोशाम भिवानी में है, तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे उनसे रिलेटेड है ये, थर्ड मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है अभी थर्ड थे या सेकंड थे, बट ये पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, मैं कंफर्म करके बता दूँ कमेंट में कि थर्ड या फर्स्ट सेकंड किससे रिलेटेड थे, बट तोशाम की बिरादरी पृथ्वीराज से थे।
फिर किशोरी महल होटल में है, ठीक है, किशोरी महल होटल में है, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, छुपा रुस्तम। इजी इजी क्वेश्चन, आपको पता है हिट क्वेश्चन हिट हो चुके हैं, तो अब नॉन फेमस का भी थोड़ा थोड़ा ज़माना आ गया है। तो किशोरी महल होटल में है, ठीक है, और ये तोशाम की जो बिरादरी है ये पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो ध्यान रखना कौन पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध थी, तोशाम कचहरी समझते हो ना, जहाँ अपने फैसले फुसले करते हैं, तो तोशाम की बिरादरी। फिर सोहना का किला सबको पता है गुड़गांव में है, सोहना, सोहन सिंह ने बनवाया था, डेट्स वाइज सोहना का किला बोल देते हैं इसको। तावड़ू का किला, तावड़ू इज़ ए प्लेस इन मेवात, तो मेवात मीन्स प्रेजेंटली नुहू है, प्रेजेंटली नाहर सिंह से रिलेटेड है, ठीक है, तावड़ू का किला ध्यान रखना। फिर है रानी तालाब, रानी तालाब का भी एक अच्छा सा बना हुआ है रानी तालाब, जो जींद में है, वास्तुकला, और ये कहते हैं यहाँ एक शिव मंदिर भी है, उसको भूतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कुछ कहावत है रानी नहाने जाती होगी उसको भूतों की परछाइयाँ नजर आती होंगी भाई, तो उसको भूतेश्वर मंदिर का आवाज़ें आती होंगी छन छन, तो रानी के लिए बीच में ही तालाब बनवा दे। तो रानी तालाब, जींद, शिव मंदिर, भूतेश्वर है, लेकिन देवी तालाब, दोनों का डिफरेंस याद रखना। रानी तालाब पूछे तो जींद में है, यहाँ भूतेश्वर मंदिर भी है, लेकिन ये अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे बना रखा है, बीच में ही पानी सरोवर, मतलब बीच में ही। तो क्वेश्चन ये भी आ जाए कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे हरियाणा का वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है, तो रानी तालाब का मंदिर, ठीक है, रानी तालाब जींद में। लेकिन देवी तालाब, आपको पता है देवी तालाब का जो देवी मंदिर है वो पानीपत में है। असीगढ़ का किला, आसी का किला बोल देते हैं, असीगढ़ का किला बोलते हैं, पृथ्वीराज थर्ड से रिलेटेड है, ये हांसी में है, ठीक है ना, पृथ्वीराज का किला भी बोल देते हैं इसको, हांसी में है। सबसे पुरानी हवेली, सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है, भूतों की हवेली बोल देते हैं, कहते हैं पुरानी चीज़, ऐसे पता नहीं, मुझे लगता है कि कभी फतेहाबाद जाना चाहिए, देखो तो सही है कैसी भूतों वाली हवेली, अंदर एंट्री करे कुछ यूनिक सी फीलिंग होगी या नहीं, तो कहते हैं इसमें भूत होते हैं, पता नहीं भाई कोई फतेहाबाद से होंगे तो पता होगा। तो पुरानी हवेली कभी उधर जाएंगे तो जरूर देखूंगी मैं, मेरे को बहुत क्रेज़ है इसको, पुरानी हवेली को देखने का, क्योंकि सबसे पुरानी हवेली है, मैंने सुना है इसमें भूत रहते हैं। तो पुरानी हवेली फतेहाबाद में है, और यहीं पर एक मस्जिद भी है पुरानी, वो हुमायूं ने बनवाई थी, ठीक है ना, और ये इससे रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। लाल महल गुरुग्राम में है, बलबन ने बनवाया था, और एक गोपालगिरी का दुर्ग, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, बलबन ने ही बनवाया था, बलबन बहुत फेमस है, दिल्ली सल्तनत के राजा जिसने लौह और रक्त की नीति चलाई थी, सजदा और पाबोश प्रथाएं चलाई थी, तो बलबन काफ़ी फेमस है, तो गोपालगिरी का दुर्ग बलबन ने बनवाया था। तो ठीक है गाइज, आई थिंक इट्स अ मोर देन सफिशियंट, वैसे तो कितना भी पढ़ लो, लेकिन हमेशा मेरा मानना है गो विद द स्मार्ट स्टडी, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो स्मार्ट स्टडी के साथ जाना चाहिए। और मैं हमेशा प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस कलेक्ट करके अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट करती हूँ हरियाणा जीके का, जो मुझे 100% कंफर्म है कि जो आगे एग्जाम्स आएंगे आपको पूरा पूरा हेल्प करेंगे। तो आपको वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यूर, बिकॉज आई जस्ट लव टू रीड द कमेंट्स, मुझे कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, पहली बार जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। साथ में आपको यदि किसी भी टाइप से टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोट्स या हरियाणा एचएसएससी के नोट्स या कोचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7015467794903402541, 7015467794903402541 इज अ नंबर ऑफ अचीवर्स अकेडमी, आई एम फ्रॉम पानीपत, सो यू कैन टेक कोचिंग, नोट्स, पेड कोर्स, वट एवर यू वॉन्ट। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय।